चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सबको? ठीक, ठीक। तो आज की क्लास जो है अपनी, अभी तक अपने डीसी सर्किट एनालिसिस, सिंगल फेज सर्किट और मैग्नेट सर्किट, ये 3 यूनिट हो चुकी हैं अपनी, ठीक है। अब आज का डिस्कशन चलेगा वो अपना यूनिट 4th और यूनिट 5th का। मैं एक बार में ही पूरा डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको, फिर अपन इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। देखिए, पार्डन, पहले असाइनमेंट अपलोड करो, मैं देखूंगा उसको फिर, ठीक है। वो तो असाइनमेंट क्वेश्चन थे ना यार, मैं बता दूंगा, एक शीट शेयर करूंगा उसमें उसके आंसर हैं, एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा एक। तो जैसे कि अपन जानते हैं कि इसमें सिंगल फेज एसी सर्किट में आपका रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन का पोर्शन और ट्रांसफार्मर का पोर्शन, ये दोनों ही है। तो इसका जो बाइफर्गेशन होगा यूनिट का, मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरीके से होगा। ये तो आपकी पूरी की पूरी एक यूनिट, इसके मतलब दो पोर्शन जाएंगे, 4th का एक ए पोर्शन, ठीक है, और एक रहेगा इसका बी पोर्शन। क्लियर, समझ आया सबको? तो उसको अपन इस तरीके से देखेंगे कि सबसे पहले तो अपना ये मोटो रहेगा कि अपना जो ट्रांसफॉर्मर का जो अपना प्रिंसिपल है या जो भी ही है, सबसे पहले अपन ट्रांसफॉर्मर का देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अपन स्विच करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी एंड डीसी मशीन में, इसमें। क्लियर टू ऑल? इसी तरीके से, क्योंकि अपना सब्जेक्ट का नाम बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो फिफ्थ यूनिट जो है, जो लास्ट यूनिट आपकी होगी, दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट। तो इसमें नंबर सिस्टम इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें अपन डेसिमल का यूज क्यों करते हैं, बाइनरी का यूज क्यों करते हैं, ऑक्टल का, हेक्साडेसिमल का और देयर कॉम्प्लीमेंट्स, उसका ऑपरेशन कन्वर्जन, मतलब बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना, ऑक्टल को बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में, ये सब है। इसी के साथ डी मॉर्गन थ्योरम्स, ठीक है, लॉजिक गेट, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्स नॉर गेट, एक्स और गेट, ये सब चीजें आपने अच्छी तरीके से देखी होंगी, उनके ट्रुथ टेबल भी देखे होंगे। और उसी के साथ जो नेक्स्ट है, इसी में फिफ्थ यूनिट में सेमी कंडक्टर, देन डायोड, देन वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और देयर वर्किंग, और इंट्रोडक्शन टू कॉमन बोस बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। तो ये अपनी 4th और 5th यूनिट की बात है। इसी के साथ अगर, क्योंकि हर चीज में अपन, हर सब्जेक्ट में अपन कोर्स आउटकम भी लेके चलते हैं, तो ये जो अपन ने कोर्स आउटकम 4 इसमें देख रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल की सब्जेक्ट के लिए, इसका मतलब ये है कि चारों, ये सारे के सारे कोर्स आउटकम आपकी किसी का किसी यूनिट में यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास जो है इसमें अपन लोग, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अपन लोग इसमें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का, क्योंकि ट्रांसफार्मर आप लोग भी 12th स्टैंडर्ड पे पढ़ चुके हैं, तो उसका जो आपका बेसिक कंसेप्ट, कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल, आइडियल ट्रांसफार्मर, देन आफ्टर डेट आइडियल ट्रांसफार्मर के बाद उसका फेजर डायग्राम एट नो लोड। देखिए, ट्रांसफार्मर की भी दो कंडीशन होती है, नंबर वन इज लोड एंड सेकेंड वन इज नो लोड। दो तरीके से अपन ट्रांसफार्मर का बाइफर्केशन देखते हैं। उसी के बाद वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन, करंट ट्रांसफॉर्मेशन, इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन, देन आफ्टर डेट इक्विवेलेंट सर्किट एंड इट्स फेजर डायग्राम, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का आप यूज कर रहे हैं तो उसका फेजर डायग्राम, देन आफ्टर दैट उसका वोल्टेज रेगुलेशन, किस तरीके से अपन वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ये है कि जब आपका ट्रांसफार्मर किसी नो लोड कंडीशन में था, और नो लोड कंडीशन से आप उस ट्रांसफार्मर को कब कहाँ ले गए, आप उसको फुल लोड कंडीशन, मतलब लोडेड कंडीशन में ले गए, तो जो डिफरेंस रहेगा दोनों लो लोड और लोड कंडीशन के लिए, उसको अपन रेगुलेशन बोलते हैं, मतलब कैसे अपन रेगुलेट करेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद देन आफ्टर दैट लॉसेस, एफिशिएंसी, कौन से आप इसमें लॉसेस प्रेजेंट रहते हैं, कौन कौन सी इसमें एफिशिएंसी रहती है, ठीक है। देन आफ्टर दैट लास्ट में जो है वो टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो मुझे टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में बताया क्लास में, कि
अपन इसको कैसे, हाउ वी टर्म द ट्रेसिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, बताओ जल्दी बताओ कि ट्रेसिंग ऑफ ट्रांसफार्मर को अपन किस तरीके से बोलेंगे। बताओ बेटा जल्दी बताओ फटाफट। सर दो होते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। तो व्हाट इज टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, अगर आपसे पूछे जाए तो उसका मतलब क्या होगा, क्या बोलोगे उसके बारे पोलैरिटी में, से किससे मतलब है क्या? पवित्र, क्या बोले, पोलैरिटी। पोलैरिटी नहीं, पोलैरिटी मतलब क्या, पोलैरिटी पूरा टर्म बोलो ना बेटा। क्या आकाश, मैंने देखो टेस्टिंग और ट्रांसफॉर्मर से मतलब ये है कि जब कभी भी किसी भी ट्रांसफॉर्मर का मैन्युफैक्चरिंग करा जाता है तो उस केस में टेस्टिंग और ट्रांसफॉर्मर से टर्म अपन ये बता रहे हैं कि इस टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर भे में आप लोग, जैसे मान लो कोई भी ट्रांसफॉर्मर टेस्ट हुआ मतलब मैन्युफैक्चर हुआ, तो वो ट्रांसफार्मर किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है, कितनी वोल्टेज रेटिंग आप उसमें ले सकते हैं, कितनी करंट रेटिंग ले सकते हैं, कितनी मैक्सिमम पावर रेटिंग के लिए वो ट्रांसफार्मर आपका काम करेगा, ये चीज अपन देखते हैं। मतलब कितने लॉसेस तक वो बेयर कर सकता है, कौन कौन से टाइप के उसमें लॉसेस रहेंगे। तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स जब करे होंगे तो उसमें आपने दो प्रैक्टिकल करे होंगे, एक तो आपने करा होगा ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, करा है, यस सर ठीक है ना। मोहित ने भी ठीक लिखा है थोड़ा सा। सॉरी, तो टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर में इसका मतलब ये है कि आप ने जो ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया है उसमें आपने लॉसेस निकाले हैं, ठीक है ना। मतलब आपने एक में आपने निकाल लिया कोर लॉस, एक कोर लॉस बोल लो या आयरन लॉस बोल लो, एक में आपने निकाल लिया कॉपर लॉस। दानिश ने बिल्कुल सही लिखा। तो मेन चीज यही अपन देखते हैं टेंशन ट्रांसफार्मर में कि उसमें लॉसेस किस तरीके से हैं। इसी तरीके से एक और ट्रांसफार्मर टेस्टिंग है जो है पोलैरिटी टेस्ट। पोलैरिटी टेस्ट में अपन लोग क्या करते हैं कि अपन पोलैरिटी देखते हैं कि जब अपन जो भी प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्ट कर रहे हैं तो उसको अपन किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। एक रहेगा इसमें फोर्थ में आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का, जिसके टर्म ये वाले रहेंगे। इसमें ये टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर और वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी, इन चीजों से आपके न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक है ना। इन तीन टर्म से आपके न्यूमेरिकल आ ही जाते हैं, तो इसलिए इन तीन तुमको थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अपन अच्छे से देखेंगे इसको, ठीक है ना। और इसी के साथ इसी में एक मतलब ये वाली यूनिट काफी बड़ी है, तो सेकेंड मिड से मतलब 8 मार्च तक आप लोगों का जैसे है, फ्रॉम 8 to 13 मार्च आप लोगों का मिड सेमेस्टर, सेकेंड मिड सेमेस्टर एग्जामिन है, तो तब तक ये यूनिट पूरी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपकी यूनिट ये वाली ट्रांसफार्मर तक हो जाए, ठीक है ना। तो एक तो आपका यूनिट थर्ड मिड सेम का सिलेबस जो रहेगा ये तो आपको रहेगी पूरी मैग्नेटिक सर्किट की यूनिट, है ना, और उसी के साथ साथ जो आपको ट्रांसफार्मर है ये पूरा आएगा। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को, अब बार बार मत पूछना, फिर से बोलना बेटा जो भी बोले। वन ऑन टू यूनिट सेकेंड मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में नहीं आएगी, ठीक है, सिर्फ थर्ड और फोर्थ यूनिट आएगी। क्लियर, ये आपका इसका मिड सेमेस्टर एग्जाम सेकेंड का सिलेबस है। बार बार मत पूछना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जहां तक आपका हो जाएगा फोर्थ यूनिट में मैग्नेटिक सर्किट तो आपका आएगा ही आएगा, और जहां तक आपका ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा वहां तक आपका ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन आएगा। क्लियर, ठीक है ना। रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन अभी नहीं आएगी इसमें, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर से इसको इंडिकेट नहीं किया। और कुछ पूछना है इसमें, अभी कोई डाउट तो नहीं, और किसी को आगे बढ़ूं, ठीक है। तो इसी के साथ जो
नेक्स्ट जो है वो अपन स्टार्ट, मैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपन इसमें क्या क्या चीज देखेंगे, तो मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले अगर अपन आते हैं, क्योंकि पीपीटी इसकी बनाई हुई है, तो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांसफार्मर, देन अपन स्विच करेंगे इसमें रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में। तो रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन जो है इसमें फोर्थ यूनिट में, उसमें आपका इसका सबसे पहला जो है वो है कंस्ट्रक्शन डिटेल्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन। पहली मशीन ये देखेंगे अपन रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में। उसके बाद देन आफ्टर दैट आपका कंस्ट्रक्शन डिटेल्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मशीन एंड देयर एप्लीकेशन, एंड द थर्ड वन इज कंस्ट्रक्शन डिटेल्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मशीन। तो इसमें तीन टाइप की मशीन रहेगी। पहली जो है वो है आपकी डीसी मशीन, और सेकेंड दूसरी ये वाली है सिंक्रोनस और इंडक्शन मशीन, दीज आर योर एसी मशीन्स। ये तो इस तरीके से आपका बाइफर्केशन रहेगा इसका मशीन का, ठीक है। तो डीसी मशीन का जो भी इसमें कंस्ट्रक्शन है, जो आप इसमें आपका इसमें प्रैक्टिकल में भी है ये वाला चीज, तो उसमें भी अपन देख लेंगे इसको, है ना। तो ये तो मशीन के बारे में है। तो मशीन में अपन अब इसको इसके बारे में तब देखेंगे जब अपन ये वाली यूनिट देखेंगे। मैं बस आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये सब मशीन के पार्ट हैं। तो इसी में आपकी इंडक्शन मशीन भी आ रही है और इसी में आपका सिंक्रोनस मशीन भी है, ठीक है ना, क्लियर। और दूसरी जो है सिंक्रोनस मशीन को भी अलग तरीके से बताया गया है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से आपका मशीन का, जैसे मान लो ये आपका एक मशीन बनी हुई है, ठीक है ना, इसमें आपका रोटर भी दिखाया हुआ है और आपका इसमें स्टेटर भी दिखाया, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज योर स्टेटर जो स्टेशनरी है, ठीक है, और ये वाला जो है दिस वन इज योर रोटर, रोटर, ठीक है ना। इसको अपन इस तरीके से भी देखते हैं कि जैसे आप लोगों ने अपने घरों में एसी मशीन देखी होगी, टिल्लू पंप देखा होगा, तो वो आपकी इंडक्शन मोटर होती है। तो उसमें ऊपर का पोर्शन जो है वो पूरा का पूरा स्टेटर रहता है, नीचे ऊपर ये वाला पोर्शन जो पूरा आपका स्टेटर है, मिडिल का जो पोर्शन है ये वाला जो आपका रोटेटिंग पोर्शन है इसको अपन रोटर बोल रहे हैं, और यहाँ पे जहां से आपका कनेक्ट होता है उसको अपन बोलते हैं शाफ्ट, जो आपका रोटेशन देता है उसको, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन मशीन को देखेंगे। इसको अभी तो इतना देखने की जरूरत नहीं है कि ये सब प्रेजेंटेशन में आप लोगों से शेयर ड्राइव में शेयर कर दूंगा, और ये एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि इसमें एक्चुअली इसमें क्या है ना, फॉर इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों के लिए तो बस इसका किस तरीके से अपन, जैसे मान लो कि अभी तक जो अपन ने बात करी है वो अपन ने सिंगल फेज एसी सप्लाई की बात करी है, ठीक है ना। अब जैसे ही अपन थ्री फेज सप्लाई पर जाएंगे तो थ्री फेज सप्लाई की जो वेव फॉर्म है, जैसे अभी तक अपन ने सिंगल फेज सप्लाई बनाई थी, अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो ए बी सी तीन आप लोगों के फेज रहेंगे, चाहे आप ए बी सी बोल लीजिए इसको, या कहीं कहीं इसको अपन ये भी बोल देते हैं आर वाई बी, ठीक है ना। आर वाई बी हो या ए बी सी हो, दोनों चीजें आपकी एक ही हैं इसमें, क्लियर। इस तरीके से अपन इसको देखते हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, नेक्स्ट इसमें जो है वो ये है कि जो भी आपका इसमें थ्री फेस हो रहा है, तो उसका जो पूरा का पूरा रोटेशन होगा, द टोटल रोटेशन किसी भी एक साइकिल का, या अपन एसी में सिंगल फेस की बात करें या अपन एसी में थ्री फेस की बात करें, इसका पूरा का पूरा रोटेशन कितने डिग्री का होगा बेटा, कोई बताएगा? 360 360 डिग्री का, ठीक है ना। तो इसका जो रोटेशन जो है, द रोटेशन ऑफ दिस वन इज ऑफ 360 डिग्री, ये इसका पूरा रोटेशन रहेगा। मतलब ए और बी के 360 का मतलब ये है कि तो आपने तीन अपने फेजेस हैं इसमें, इट मीन्स यार अगर अपन तीन फेज लेंगे तो एक फेज दो फेज के बीच एक फेज के बीच में जो एंगल रहेगा वो कितना प्रेजेंट रहेगा आपका, 120 डिग्री का, ठीक है, समझ आया?
यस तो सर, इसी तरीके से एक और चीज है नेक्स्ट जो है, इसी में अपन देखते हैं कि अपन जो स्टेटर कनेक्शन रहता है, वी कैन कनेक्ट द स्टेटर इन टू फॉर्म। नंबर वन इन इज स्टार कनेक्टेड कनेक्शन एंड द सेकेंड वन इज डेल्टा कनेक्टेड। तो इस तरीके से अपन इसको देखते हैं। तो ये सब अल्टरनेटर के ही हैं, तो उससे ये आप लोगों से मैं बता दूंगा, मतलब ये भी चीज है। तो अपन तो मेनली बिकॉज यू आर CSEIT स्टूडेंट्स, तो अपन इसमें जो बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ही इसमें देखेंगे, जो आपको भी समझ आए, क्योंकि एक ही यूनिट में, क्योंकि चार सब यूनिट्स हैं इसमें। चार सब यूनिट से मतलब ये है, ट्रांसफार्मर भी है, डीसी मशीन भी है, सिंक्रोनस मशीन भी है और इंडक्शन मशीन भी है, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में है। देन आपका इसी तरीके से आपका इंडक्शन मशीन भी है, तो इंडक्शन मशीन का भी इसमें बनाया हुआ है पूरा, किस तरीके से अपन इसका काम करते हैं, किस से रोटेटिंग फील्ड होती है, किस किस तरीके से इंडक्शन मोटर की स्पीड होती है। इंडक्शन मशीन का मतलब ये है कि जो आपकी इंडक्शन जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड से कम में चले, ठीक है ना, उसको अपन इंडक्शन मशीन में लेके चलते हैं। और इंडक्शन मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल और ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, दोनों का ही वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सेम टू सेम होता है, दोनों ही कि आपका इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंड्यूस वोल्टेज, मतलब दोनों में ही वाइंडिंग होती है यूज, मतलब चाहे कोई सा भी एसी सप्लाई हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो एसी मशीन हो, चाहे वो डीसी मशीन हो, अपन वाइंडिंग तो यूज करते ही करते हैं। और जहां भी वाइंडिंग यूज होती है, इट मीन्स दैट कि वहां पे आपका जो आपका लास्ट थर्ड यूनिट में अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है, फैराडेज लॉस पढ़ा हुआ है, तो वो इंड्यूस ईएमएफ होगा ही होगा, तो वो प्रिंसिपल पूरा का पूरा यहाँ पे आपका यूज होगा, ठीक है ना। तो ये आपका इंडक्शन मोटर के बारे में है। और इसी तरीके से एक आपका ट्रांसफार्मर का एक ये भी है, छोटा सा पीडीएफ भी है ट्रांसफार्मर का, तो भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, इसके बारे में बता दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। इसमें भी ट्रांसफार्मर के बारे में क्या है, उसका किस तरीके से अपन यूज कर रहे हैं ये मैं भी आप लोगों को बता दूंगा, उसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, किस तरीके से अपन प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग यूज करते हैं। देन आफ्टर डेट इसका इक्विवेलेंट सर्किट, कि अपन ने कोई सा भी ट्रांसफार्मर अगर अपन ने कनेक्ट कर दिया है तो उसमें अपन लोग इसको किस तरीके से इन व्यू ऑफ दिस डायग्राम अपन किस तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं। लेकर चल रहे से मतलब ये है किस तरीके से अपन इसका डायग्राम को शो कर रहे हैं, क्लियर। और फिर इसका क्लासिफिकेशन, कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मतलब वोल्टेज मतलब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जो भी आपका सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब लोड के अक्रॉस जो आपका इसमें वोल्टेज कनेक्टेड रहेगा, उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग अपन ट्रांसफार्मर का नाम देते हैं। अगर V1 की वैल्यू यहाँ पे जो, अगर यहाँ पे V2 की वैल्यू मतलब आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से ज्यादा होगा तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा, मतलब वोल्टेज की रेटिंग को बढ़ाएगा। मान लो V1 वोल्टेज 110 वोल्ट है और V2 वोल्टेज 220 वोल्टेज है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एज पर द नीड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द वोल्टेज, यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। सिमिलरली अगर V2 की वैल्यू मान लो 110 है और V1 की 220 है, तो वो स्टेप डाउन वोल्टेज हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसके बारे में लिखा हुआ है। देयर आफ्टर डेट क्यों, इसमें अपन दोनों में ही वाइंडिंग यूज कर रहे हैं, इट मींस दैट कि वाइंडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे फैराडेज लॉस होगा। फैराडेज लॉ होगा तो फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इंडक्शन के कारण आपका इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस दोनों वाइंडिंग में होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में भी होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी होगा। एंड दिस इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं कि द वैल्यू ऑफ E1 इज इंडिकेटेड बाय -N1 d∅dt, सिमिलरली E2 इक्वल टू -N2 d∅dt। जैसे अपन ने इसको डिवाइड किया, वैल्यू क्या आई आपकी, E2/E1 इक्वल टू N2/N1। इट मींस दैट कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, जितना अपना नंबर ऑफ टर्न्स होगा वाइंडिंग में, चाहे वो प्राइमरी वाइंडिंग हो चाहे वो सेकेंडरी वाइंडिंग हो, उतना ही आपका इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा आपको सेकेंडरी वाइंडिंग में,
ठीक है ना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें तीन चीजें हैं कि ट्रांसफार्मर का जो एक्शन है ये किस लॉ पे डिपेंड होता है। अगर पूछा जाए तो इट इज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिमिलरली जो आपका इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग अपन यूज कर रहे हैं, इन प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है आपका, ठीक है। और तीसरी और वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है ट्रांसफॉर्मर में, वो ये है, सिर्फ इसमें ट्रांसफॉर्मर में जो चेंज होता है वो वोल्टेज और करंट की वैल्यू में होता है। इसमें आपका फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में चेंज नहीं आता, और जो आउटपुट पावर है दैट आउटपुट पावर इज इट हैज द सेम फ्रीक्वेंसी इनपुट पावर, मीन्स द वैल्यू ऑफ पी वन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पी टू, ठीक है। इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि कैन डीसी सप्लाई बी यूज फॉर ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर में अपन डीसी सप्लाई करते हैं या नहीं करते। कोई इस चीज का जवाब बता पाएगा मेरे को बिना पढ़े अभी कि अपन लोग ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई का यूज क्यों नहीं करते हैं, तो बताएगा वो सर वो शॉर्ट सर्किट की तरह हो जाता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बन जाता है और वो पूरा करंट पास हो जाता है। सर और म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है तो सर डीसी में कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, डेवलप ही नहीं होगा, इसलिए वो एसी यूज करते हैं। बिल्कुल। और कोई सर कॉइल का लो रेजिस्टेंस होता है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो पूरा पास हो जाता है तो वो फ्लक्स चेंज नहीं हो पाता, वही जो को ठीक है। वेरी गुड, सभी का जवाब सही था। मतलब इसमें क्या होता है कि आपका ट्रांसफार्मर में आपकी जो उसमें है एसी जो है वो आपका चेंज कंटिन्यूस चेंज होता रहता है, ठीक है। कंटिन्यूस चेंज होता है, उसमें वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, मतलब अपन को ट्रांसफॉर्म करना है वोल्टेज को और करंट को। लेकिन डीसी में क्या है, डीसी में आपको फिक्स कॉन्स्टेंट वोल्टेज मिलता है, इसलिए वहां पे जो भी है जो भी आपका उसकी सप्लाई है उसको अपन डीसी के लिए अलाउड नहीं कर सकते। सिमिलरली जो आपका ट्रांसफार्मर है वो अपना जैसे ही डीसी करंट होगा तो ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ दैट कॉइल वो आपका उसका जो कोर में है वो आपका बहुत ही ज्यादा लार्ज करंट इसमें ड्रॉ करेगा। ये दो तीन रीजन रहते हैं। नेक्स्ट जो है इसका कंस्ट्रक्शन है, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जब अपन ने सीरीज सर्किट पढ़ा था मैग्नेटिक सर्किट तो वहां पर देखा था कि जो अपना कोर टाइप ट्रांसफार्मर है उसमें आपकी फ्लक्स की वैल्यू कॉमन रहेगी। जैसे ये आपका जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे जो ये बनाया हुआ है, ये डायग्राम भी आपका इंडिकेट क्या कर रहा है, ये डायग्राम ये बता रहा है कि जो आपकी वैल्यू है किसकी ट्रांसफार्मर में, उसमें अपन देखो इसमें दो तरीके के टर्म होते हैं, प्राइमरी भी बोलते हैं अपन, सेकेंडरी भी बोलते हैं, और उसके साथ अपन उसको लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, एलवी और एचवी लिखा हुआ है तो द मीनिंग ऑफ एलवी इज लो वोल्टेज इंसुलेशन, एलवी वाइंडिंग लो वोल्टेज वाइंडिंग, एचवी इंसुलेशन हाई वोल्टेज इंसुलेशन, और एचवी वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है ना। ये हो गया कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। इसीलिए शेल टाइप अपन ने जब पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट पढ़ा था तो आपको मैंने बताया था कि शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर अपन इस तरीके से बनाते हैं जिसमें आपकी जो कॉइल है अपने जो प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल जो है वो अपने एक ही इसमें सेंट्रल लिम में कनेक्ट की हुई है, जिससे आपकी फ्लक्स की वैल्यू आपकी राइट में भी जा रही है और राइट में लेफ्ट में भी जा रही है, ठीक है ना। याद आया पहले मैंने सर्किट में अपने डायग्राम बनाया था बेटा शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर का, उस टाइम मैंने बताया भी था आप लोगों को, ठीक है। तो जब अपन फ्लक्स के पाथ को डिवाइड करते हैं या जब अपन को डबल करना होता है मैग्नेटिक सर्किट को तब अपन शेल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज होता है वहां पे उस जगह। देन आफ्टर दैट इसका कंपैरिजन है कोर एंड शेल टाइप का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपको इसमें ट्रांसफार्मर की कूलिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अपने घरों के बाहर आप लोगों ने नाम सुना होगा डीपी, ठीक है ना, डीपी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पोल उसको बोलते हैं। वहां पे जो ट्रांसफार्मर कनेक्ट होता है डेट इज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर,
इट मीन्स दैट वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, उसमें क्या होता है कि उसमें कंटिन्यूस एक हमिंग मतलब नॉइज की आवाज, किसी ने ध्यान से सुना होगा, तो ट्रांसफार्मर से एक आवाज मतलब हमिंग की आवाज आती है। वो क्यों आती है, मतलब वो उसकी गर्माहट जो उसमें हीटिंग होती है ना, इन व्यू ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द कोर, जो उसे वाइंडिंग अपन यूज कर रहे हैं उन वाइंडिंग में जो आपकी जब वो गर्माहट आ जाती है तो उसकी वजह से वो उसमें आपका मोहित ने भी इसे लिखा है ड्यूरिंग मॉर्निंग, मतलब जो जब आपका सनी डे रहता है रात में इतनी आवाज नहीं रहती है उसमें, मतलब गर्माहट मतलब उसमें रहती है, तो उसको नॉइस को कम करने के लिए भी और आपकी वाइंडिंग में लॉसेस मतलब ट्रांसफार्मर में लॉसेस ज्यादा नहीं रहे उसके लिए भी अपन कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर का भी ध्यान रखते हैं, जिसके लिए ट्रांसफार्मर के साथ अपन ने एक छोटा सा आपने एक टैंक देखा भी होगा, चाहे उसके साइड में लगा होता है कभी कभी, कभी कभी उसके ऊपर लगा होता है, उसमें अपन एक कूलेंट का यूज करते हैं। जैसे कि अपन अगर कार की बात करें, कार की या फोर व्हीलर टू व्हीलर किसी की भी, देखो जहां भी इंजन यूज हो रहा है ना या यहाँ रोटेटिंग पोर्शन हो रहा है वहां पे आपका उसमें अपन कूलेंट का यूज करते हैं। कूलेंट मतलब उसको कूल करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए, ठीक है ना, समझ आया कंसेप्ट आपको। तो ये है कूलर ट्रांसफार्मर, तो ये आपका एक ट्रांसफार्मर का एक तरीके का डायग्राम है जिसमें अपन यहाँ पे ये आपका कूलिंग मेथड का इसमें बता रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है दिस वन इज योर ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, और राइट हैंड साइड में जो है ये आपका यहाँ पे आपका वो है आपके कूलेंट की तरीके से बताया जा रहा है। अब कूलेंट अपन चाहे अपन वाटर की हेल्प से करें या ऑयल पंप की हेल्प से करें, किसी भी तरीके से करें, तो अलग अलग उसमें अलग अलग मेथड यूज होते हैं, ठीक है ना। देन आफ्टर दैट सिमिलरली क्योंकि अपन एसी सप्लाई की बात कर रहे हैं तो जो फ्लक्स जो रहेगा आपको फाइव इज इक्वल टू फाइव एम साइन ओमेगा टी, तो इससे आपका जो ईएमएफ इक्वेशन जो आएगी व्हेन वी आर यूजिंग द वैल्यू इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, तो उसमें जैसे ही अपन फाइव की वैल्यू पुट करेंगे तो जो वैल्यू आपकी आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू टू पाई एफ एन फाइव एम डिवाइड बाई रूट टू, ठीक है ना। तो मतलब दैट इज इसकी वैल्यू जो होगी, ये क्वेश्चन जो आएगी आपकी, यदि अपन इसको डिराइव करेंगे अपन लोग इसको आप लोगों का टाइम मिले तो आप लोग भी इसको देखना, तो E1 इक्वल टू 4.44 एफ एन 151। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने दोनों ही ब्रांच में से कोई बता दे कि ट्रांसफार्मर में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था 12th क्लास में, तो फिर मैं उस या तो उसी से स्टार्ट करूं या फिर उसके आगे बढ़ाऊं, मुझे कोई बताएगा ट्रांसफार्मर में आपने 12th क्लास में क्या क्या पढ़ा था। सर रेशियोस पढ़े थे, वोल्टेज रेशियो, करंट रेशियो, टर्न रेशियो। एक मिनट संस्कार, संस्कार एक मिनट, संस्कार एक मिनट, राजेश पहले आप बोलो आईटी। ठीक है संस्कार, आपने क्या ऑर्डर बताना, संस्कार क्या बोल रहे थे। सर रेशियोस पढ़े थे, टर्न रेशियो, वोल्टेज रेशियो, करंट रेशियो, फिर उनका मतलब जो हीट लॉस और मेटल लॉस होता है वो पढ़ा था, और फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो पढ़ा था। ठीक है समझ, मतलब बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा था, है ना सर। ठीक है हाँ बोलो नितांशी। सर ट्रांसफॉर्मर्स में थोड़ी प्रॉब्लम थी सर मुझे पहले, और सर काफी और लोगों को भी होगी शायद, तो सर आप थोड़ा डिटेल में ना जाते हुए भी अगर थोड़ा थोड़ा बता देते सर तो अच्छा होता सर। समझ गया, थैंक यू। तो मैं तो अभी आज तो ब्रीफ रिव्यू दे रहा हूँ, फिर अगर 10-15 मिनट से स्टार्ट करते हैं इसके बारे में ही, मतलब बता दूं कि इसमें क्या एक्चुअली क्या है, जब भी कोई यूनिट अपन पढ़े ना उसके बारे में उसका थोड़ा देख लें कि उसमें है क्या क्या चीज, तो उस तरीके से अपन उसको देखते हैं तो समझ आता है। जैसे इसमें वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, ठीक है, इसी तरीके से कंसेप्ट ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या रहता है कि जब भी कभी आप वैसे आइडियली कोई भी ट्रांसफार्मर
जो लोड से कनेक्टेड रहता है वो आइडियल नहीं होता। आइडियल ट्रांसफार्मर सिर्फ अपन समझने के लिए पढ़ते हैं कि उसमें आपकी जो वैल्यू है उसको अपना, मान लीजिए अगर मैं इसको आप लोग बोलूं कि आइडियल ट्रांसफार्मर की वैल्यू है, ठीक है ना, जैसे मैंने कंसेप्ट ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर ही आप लोगों से बोला, ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से कि कंसेप्ट ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर में इसकी वैल्यू जो है, इसमें मान लो मैंने इसी में आ गया, ठीक है, इसी कंसेप्ट से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कंसेप्ट ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर की अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो कंसेप्ट ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर का मेन सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कोई सा भी ट्रांसफार्मर आइडियल है तो उसमें बहुत दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। नंबर वन क्या होगा, उसमें कोई भी आपका लॉसेस कनेक्ट लॉसेस नहीं होंगे। देन आफ्टर है उसका वाइंडिंग है, उसमें कोई भी आपका रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं होगा, और उसमें लीकेज फ्लक्स क्या रहेगा आपका, जीरो रहेगा, मतलब 100% फ्लक्स आपका प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा, और जो परमिएबिलिटी ऑफ कोर रहेगी वो बहुत हाई रहेगी। मतलब सिंपल जब कंसेप्ट ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब ये है कि आपने दो वाइंडिंग कनेक्ट कर दी हैं लाइक दिस, और इसको अपन ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं। समझ आया? मतलब ट्रांसफार्मर का अगर बेसिक अगर अपन को देखना है, कि अपन को ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल समझने के लिए अपन लोग आइडियल ट्रांसफार्मर देखते हैं, लेकिन आइडियली आइडियल ट्रांसफार्मर आप लोगों को उसमें अवेलेबल नहीं रहता, मतलब ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है ना। और आइडियल ट्रांसफार्मर्स का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने क्या दे दिया, एक आपने V1 सप्लाई वोल्टेज दे दिया, सिमिलरली V1 सप्लाई वोल्टेज दे दिया, I1 करंट दे दिया, E1 आपका EMF इंड्यूस हो गया, N1 नंबर ऑफ टर्न्स है आपके और N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। सिमिलरली N1 और N2 हेल्प से क्या हो गया आपका, यहाँ पे आपका एक E2 EMF हो गया। अगर आपने लोड करेक्ट किया है तो ठीक है, अगर लोड करेक्ट नहीं किया मान लीजिए तो यहाँ पे जो E2 की वैल्यू रहेगी वही वैल्यू किसकी रहेगी, V2 की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे I2 की वैल्यू क्या है, जीरो। I2 की वैल्यू जीरो का मतलब ये है होता है कि इस टाइम पे आपने ट्रांसफार्मर को किसी भी लोड से कनेक्ट नहीं किया हुआ है। समझ आया? मतलब ट्रांसफार्मर में अपन लोग दो कंडीशन देखते हैं। नंबर वन इज नो लोड कंडीशन, जब आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, कोई भी करंट फ्लो नहीं होता मतलब कोई भी लोड कनेक्ट नहीं रहता है, ना ही आपका कोई आर कनेक्टेड है, ना ही कोई एल है, ना ही कोई सी है। सिमिलरली सेकंड जो है वो है आपका ट्रांसफार्मर ऑन लोड कंडीशन, इट मींस क्या है, उसमें आपकी I2 की वैल्यू किसी भी टर्म में प्रेजेंट है। इट मींस दैट चाहे आप उसमें आर लोड ले लें, चाहे आर एल लोड ले लें, चाहे आर एल सी लोड ले लें, कोई सा भी लोड कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, या कोई सा भी आप इसमें मोटर कनेक्ट कर सकते हैं, कोई सी भी मोटर मान लो आप कनेक्ट करना चाहें, या कोई सा भी आपका लैंप लोड अपन अगर लगाना चाहें तो लैंप लोड भी लगा सकते हैं अपन। जैसे आप लोगों ने एक प्रैक्टिकल किया होगा कि वोल्टेज रेशियो एंड करंट रेशियो ट्रांसफार्मर, किया है आप लोगों ने? हाँ या ना? यस सर किया। वोल्टेज रेशियो एंड करंट रेशियो ट्रांसफार्मर किया है आप लोगों ने? क्या किया है उसमें, चलो मुझे बताओ क्या किया है वोल्टेज रेशियो करंट रेशियो में, क्या किया है, कोई एक्सप्लेन करेगा मेरे को, जल्दी बताओ बेटा क्या किया था उसमें आपने? गलत बात है बेटा, आप लोग लैब सेशन में थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हो, फीडबैक से समझ आ जाता है। आकाश तुम नहीं बोलोगे यार, आकाश तुम जवाब, आकाश आप नहीं बोलोगे बेटा, जो जवाब नहीं देगा मैं तो उससे पूछूंगा। आप अजय गुर्जर प्रेजेंट है क्लास में अभी? अजय नितांशी भी नहीं बोलेगी। आकृति जैन क्लास में है अभी? अमन दीक्षित? यस बताओ बेटा क्या किया था आपने वोल्टेज रेशियो करंट रेशियो में बेटा? नहीं याद? यार प्रैक्टिकल किया है कि नहीं किया मैंने, पहले ये तो बताओ मुझे। किया है सर, किया आदित जोशी फ्रॉम आईआईटी, यस सर किया है।
तो बताओ ना उसके बारे में, थोड़ा आगे तो तुम बता, बताओ आगे तो वोल्टेज बताओ इशू करने इशू में वोल्टेज क्या इशू किया करने था। में। आधे डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है तेरे यहाँ से यार, आवाज कम आ रही, डिस्टरबेंस ज्यादा आ रहा है आदित। फैन तो म्यूट करो अपने आप को। अबे प्रताप, रूल नंबर टू, अभय है कि नहीं है? आदित्य गुप्ता, आदित्य प्रजापति, आदित्य राज श्रीवास्तव, अजय गुर्जर, तो जवाब क्यों नहीं आ रहे हैं? अंकुर गौड़, संस्कार सर मैं बताऊं, सर नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ वही बताएगा। गोविंद आएंगे तुम बताओ। सर जो वोल्टेज रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स के होता है, और करंट होता है वो अपोजिट होता है, और दोनों तरफ सर इनपुट पावर जो होती है वो आउटपुट पावर के बराबर होती है। अपन कर क्या रहे हैं उसमें? वोल्टेज रेशियो करंट रेशियो में क्या करते हैं अपन? मतलब सर समझ नहीं आ रहा क्या पूछना चाह रहे हैं आप। सर एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। गलत। तुम लोग का प्रैक्टिकल हुआ है ना, टू डिटरमाइन वोल्टेज रेशियो एंड करंट रेशियो ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, हुआ है कि नहीं हुआ पहले बताओ। बता क्यों नहीं पा रहे हो आंसर? हम लोग भी यार सच में, पढ़ना अच्छे से फिर बताना। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब यह है कि आइडियल ट्रांसफार्मर में अपन ये चारों चीजें नहीं लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को अपन डिटरमाइन करते हैं। सिमिलरली जो नेक्स्ट जो है उसी के अकॉर्डिंग ये इसका बाइफर्गेशन है, कि किस तरीके से अपन वोल्टेज का रेशियो को और करंट के रेशियो को इस तरीके से अपन देखते हैं किसी भी एक ट्रांसफॉर्मर केस में। ऐसी इसकी वोल्ट एम्पीयर रेटिंग, आइडियल ट्रांसफार्मर और नो लोड जो मैंने अभी आपको बताया ये वो चीज है। सिमिलरली आइडियल ट्रांसफार्मर की वैल्यू जो है वो अपन ने ले ली है ना। और उसके बाद ये नो लोड मतलब ये है, ये जो डायग्राम है ये नो लोड ट्रांसफार्मर की वैल्यू कंडीशन को बता रहा है। इसका मतलब ये है कि नो लोड वैल्यू को बता रहा है कि किस तरीके से अपन एक ट्रांसफॉर्मर की वैल्यू को किस तरीके से अपन इसमें देखते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आ गई इसकी, मतलब इसका मतलब ये है कि इस फिगर में अपन लोग जो वैल्यू आ रही है ट्रांसफार्मर के वोल्टेज की या करंट की, वो किस तरीके से अपन आ रही है वो अपन इसमें देखते हैं, मतलब देख रहे हैं। सिंपल एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से बनाया हुआ है। दिस इज द वैल्यू ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, दैट इज फॉर व्हेन देयर इज नो लोड कनेक्टेड इन द सिस्टम। ठीक है ना, जब कोई लोड कनेक्टेड नहीं है तब सिंपल ट्रांसफार्मर का डायग्राम बताया हुआ है जो अभी भी मैंने बनाया था। इसमें वी वन है, ई वन, आई वन प्राइमरी वाइंडिंग, एन वन नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी वाइंडिंग, एन टू नंबर ऑफ टर्न्स, फ्लक्स इंड्यूस, ई टू जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ई टू की वैल्यू और वी टू की वैल्यू यहाँ पे सेम है बिकॉज यहाँ पे आई टू की वैल्यू क्या है, जीरो। ठीक है ना, समझ आए सबको ये टर्म्स कि किस तरीके से हम एक ट्रांसफार्मर को किस तरीके से देखते हैं अपन? आया ना? ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो है, ये वाली फाइल भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट जो है इसका फेजर डायग्राम है, तो वो भी अपन देख लेंगे नेक्स्ट अभी क्लास में। मतलब ये वाले इसमें यही है कि जो जो आपके इसमें टर्म है, आइडियल ट्रांसफार्मर था, फिर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर आया। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर मतलब उसमें लॉसेस आ जाएंगे, ठीक है ना, फिर उसमें लॉसेस के बाद प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को अपन लोड कंडीशन में देखेंगे। सबसे पहले नो लोड था, उसके बाद उसको लोड कंडीशन में लिया, उसमें रेजिस्टेंस आ गया, इंडक्टेंस आ गया, फेजर डायग्राम आ गया, इक्विवेलेंट सर्किट आ गया, और फिर उसका इक्विवेलेंट सर्किट से उसके जो भी आपका
इम्पीडेंस की वैल्यू है, रिएक्टेंस की, रेजिस्टेंस की, वो अपन करेंगे। रिफर टू प्राइमरी मतलब इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं अपन, जब अपन किसी भी सेकेंडरी चीज को प्राइमरी साइड रिफर कर रहे हैं या प्राइमरी चीज को सेकेंडरी साइड रिफर कर रहे हैं, ये उसकी वैल्यू आ रही है। देन आफ्टर ये आपका जो है एक्सियल इक्विवेलेंट सर्किट, ये टोटल जो है ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट बता रहा है कि किसका, आपका एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में जब आपने एक रेजिस्टेंस आर वन कनेक्ट किया हुआ है, रिएक्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे लॉस कंपोनेंट आ रहा है, ये जो आर नॉट और एक्स नॉट है ये एक एक्स्ट्रा अपन इसमें टर्म लेके चलते हैं, वो वैल्यू आ रही है इसमें। ये तो प्राइमरी वाइंडिंग के सारे पैरामीटर है, इसी तरीके सेकेंडरी वाइंडिंग के पैरामीटर है, इसमें आपका सेकेंडरी रिएक्टेंस, सेकेंडरी इंडक्टिव रिएक्टेंस और सेकेंडरी रेजिस्टेंस आ रहा है। वी टू मतलब जो वोल्टेज आपका लोड से कनेक्ट हुआ है, जेड एल इंडिकेट कर रहा है आपका लोड को, और आई टू करंट क्या है जो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में जो आप करंट फ्लो हो रहा है, इसी के बारे में पूरा लिखा हुआ है। और इसी के साथ इसमें जब अपन इसको रिफर कर रहे हैं उसके डायग्राम है, इक्विवेलेंट सर्किट, एक ही इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे अपन, इतने सारे नहीं पढ़ेंगे इसमें, है ना। और देन आफ्टर इसके जो आएगा इसमें रेगुलेशन आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये रेगुलेशन वोल्टेज रेगुलेशन, देन वोल्टेज रेगुलेशन के बाद उसके लॉसेस, फिर लॉसेस के बाद उसकी आपकी एफिशिएंसी, आउटपुट पावर, इनपुट पावर। आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है कोई बताएगा? व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर? वन। वेरी गुड। जब भी कभी आपका आइडियल ट्रांसफार्म होगा उसके केस में एफिशिएंसी में उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसमें लॉसेस प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, आउटपुट पावर और इनपुट पावर दोनों बराबर है, तो एफिशिएंसी इज ऑलवेज इंडिकेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो वन तो वैल्यू राम ने बोला है सही है, लेकिन उसको अपन परसेंटेज में लेते हैं कि हाउ मच परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर अंडर नो लोड कंडीशन और लोडेड कंडीशन। तो नो लोड कंडीशन में इसकी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी भी 100 रहेगी, और आइडियल ट्रांसफार्मर केस में उसकी वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 100% रहेगी। लेकिन जैसे ही लोड कंडीशन आ जाएगा या आपके लॉसेस प्रेजेंट हो जाएंगे तो उस केस में आपकी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% नहीं रहेगी, ठीक है। और कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी इसका डेरिवेशन है, मतलब वहां पे जब अपन को एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए उस केस में जो कॉपर लॉसेस की वैल्यू है, वैल्यू बोलो या उसका जो फिगर है, वो आपका आयरन लॉस के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, ये वाला टर्म उसमें आना चाहिए। लेकिन ये अपन अभी अपन नहीं देखेंगे इसको अपन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आफ्टर डेट ऑल डे एफिशिएंसी, मतलब जो भी आपका ट्रांसफार्मर पूरे टाइम काम कर रहा है 24 घंटे, उसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी। फिर आपकी ट्रांसिंग ऑफ टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर की बात आ गई, उसमें आपका ओपन सर्किट टेस्ट ये आप लोगों ने देखा है, देन आफ्टर डेट शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं अपन, दो ये दो रीजन है इसको वो करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, मतलब एक रीजन तो ये है कि ओपन सर्किट टेस्ट में अपन लोग ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस और कोर लॉस कितना रहता है ये देखते हैं, नंबर वन। और नंबर टू ये है कि इसमें आपका प्राइमरी वाइंडिंग में जो आपका रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस अपन यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू निकालने के लिए करते हैं। ये उसका सर्किट डायग्राम है, ये अपन लोग प्रैक्टिकल में भी आप लोगों ने देखा होगा। सिमिलरली शॉर्ट सर्किट टेस्ट और इसी को क्या बोलते हैं अपन, इम्पीडेंस टेस्ट, ठीक है ना। तो इसको क्यों करते हैं, ये अपन कॉपर लॉस निकालने के लिए, या फिर जब अपन इक्विवेलेंट सर्किट को रेफर करते हैं सेकेंडरी साइड में या प्राइमरी साइड में, उसका रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ये उसका डायग्राम है। देन आफ्टर डेट जो इसका आएगा, इसके बाद इसमें इसके जो रहेंगे वो एक और शीट में, फिर इसके बाद इसके न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था पूरी की पूरी यूनिट का। तो मैं आप लोगों को एक इसका पावर पॉइंट इसका प्रेजेंटेशन और दिखा देता हूँ आप लोगों को, फिर अपन कल इसके स्टार्ट करेंगे या इसका उसका पूरा लेक्चर प्लान रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन फास्टली देख लेंगे क्योंकि अपना, चलिए
तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, तो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहेगा कि ये क्या है। सबसे पहली चीज तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिकॉज ये भी आपकी एक एसी मशीन ही है। अगर ट्रांसफार्मर की बात हो रही है तो ये भी आपकी एसी मशीन ही है। अब एक चीज का ये ध्यान रखना है, एसी मशीन तो है और उसके साथ साथ ये आपकी स्टैटिक मशीन भी है। स्टैटिक मशीन क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी आपका रोटेटिंग पोर्शन नहीं होता। जैसे आपने घरों के बाहर ट्रांसफार्मर देखा होगा या सुना होगा, तो कोई भी आपका उसमें रोटेटिंग पोर्शन नहीं आएगा, उसमें सिर्फ स्टैटिक रहेगा। नंबर वन। नंबर टू इज दिस, दैट वर्ड ट्रांसफॉर्मर कम्स फ्रॉम द वर्ड ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म करना है किसको, अपन को वैल्यू को। वैल्यू से मतलब ये है अपन को वोल्टेज की वैल्यू को या करंट की वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करना है, या फिर सबसे अच्छे तरीके से अगर आपको याद करना है कि आपको इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे कि मैं अगर इसकी डेफिनेशन ये लिखूं तो लिखा हुआ है, ट्रांसफार्मर इज नॉट एन एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइस बट इज अ डिवाइस दैट चेंजेस एसी इलेक्ट्रिकल पावर एट वन वोल्टेज लेवल इंटू एसी इलेक्ट्रिकल पावर एट अनदर वोल्टेज लेवल। मतलब अगर आपको एक जगह वी वन मिल रहा है इनपुट में, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, वी टू। लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे अगर अपन वी वन को चेंज कर रहे हैं, तो वी वन के साथ साथ आपकी जो आई वन की वैल्यू है, इसकी वजह से आपका वी टू और आई टू की वैल्यू में भी चेंज आएगा। बट एक चीज ध्यान रखना है कि इस ये दोनों जो टर्म है, ये दोनों आपके सेम रहेंगे। सेम रहेंगे का मतलब ये है कि इसमें आपकी पावर की वैल्यू जो रहेगी वो कॉन्स्टेंट पावर रहेगी। समझ आई मेरी बात? मतलब ट्रांसफार्मर में जो पावर आपके प्राइमरी वाइंडिंग में है, वही पावर आपके सेकेंडरी वाइंडिंग में भी मिलेगी। क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? आया ना? ठीक है। इट मींस दैट कि अगर अपन इस इक्वेशन से देखें, फ्रॉम दिस इक्वेशन जो वी वन अपन वी टू की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, आई टू अपन आई वन। इट मींस दैट कि ट्रांसफार्मर ही एक ऐसा डिवाइस है जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है करंट के। रहता है कि नहीं रहता? इट मीन्स दैट कि अगर वोल्टेज की वैल्यू आप अगर बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम रहेगी। ठीक है। और यही एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। इसमें ओम्स लॉ क्या होता है, अपन अच्छी तरीके से जानते हैं, अपन लोगों ने एसी में भी देखा, डीसी में भी देखा कि द वैल्यू ऑफ वी इज प्रपोर्शनल टू द आई। मतलब करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू डायरेक्टली प्रपोर्शनल रहती है, लेकिन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और करंट की वैल्यू ये दोनों क्या रहती है, आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? समझ आया आप लोगों को बेटा इसका सिंपल प्रिंसिपल? उसके साथ साथ एक और चीज है कि ट्रांसफार्मर का जो क्लासिफिकेशन है वो या तो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहेगा आपके पास, या फिर क्या रहेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा। तो इन दोनों में मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब क्या है, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, इन दोनों का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है ना। अब जनरेटिंग स्टेशन से जो वोल्टेज मैंने जनरेट किया, मान लो यहाँ पे मेरे को जनरेट हुआ यहाँ पे 33 KV इसमें जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इस 33 KV की वैल्यू को अपन स्टेप डाउन करके सबसे पहले 13.5 KV में ले आए, उसके बाद 13.5 KV को फिर से अपन ने स्टेप डाउन किया और अपन 6.6 KV पे ले आए, उसके बाद इसको अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट किया इसका मतलब क्या है, फिर से इस 6.6 वोल्ट को अपन ने क्या किया, इसको अपन ने स्टेप डाउन किया और 415 वोल्ट पे ले आए। ठीक है ना। मतलब कंज्यूमर तक आ गया, 415 वोल्ट बोल लो या फिर थ्री फेज सप्लाई बोल दो, या फिर मान लो यहाँ पे ऊपर वाला ट्रांसफार्मर जो है इसको मैंने सिंपल 11 KV बाय आपके घरों के बाहर जो रहता है 440 वोल्ट, ये रहता है अपने घरों के बाहर, तो 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट में मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोल लू मैं इसको, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, क्या बोल सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का दूसरा नाम क्या रहेगा, क्या रहेगा, जल्दी बताओ फटाफट। अरे भैया वोल्टेज की वैल्यू में क्या हो रहा है, जो आपका मान लो वी वन आपका 11 KV है, वी टू आपका 440 वोल्ट है, तो ये स्टेप डाउन।
स्टेप डाउन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये जो कंडीशन आ रही है मतलब ये आपका स्टेप डाउन होता है, ठीक है ना। तो यही अपना बेसिक प्रिंसिपल है। और इसी तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन जो है, देर आर टू टाइप्स ऑफ आयरन, ये वाला कोर ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर जो कंस्ट्रक्शन है या तो आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर रहेगा, ठीक है ना, जिसमें आपकी वाइंडिंग आपकी अलग अलग अपन कनेक्ट करेंगे, ये आपका प्राइमरी साइड या आपका सेकेंडरी साइड। सिमिलरली या तो आपका शेल टाइप रहेगा, तो आइडियल ट्रांसफार्मर एक ही आपको अपन ने देखा। अब कल की क्लास में अपन लोग इसकी ट्रांसफार्मर की इक्वेशन, इसकी ईएमएफ इक्वेशन किस तरीके से अपन ले रहे हैं, इसका वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और इसमें रेटिंग इसकी, क्योंकि अपन जानते हैं वोल्ट एम्पीयर रेटिंग में आएगा, फिर इसका इक्विवेलेंट सर्किट तो बाद में देखेंगे, पहले अपन इसका बेसिक फेजर डायग्राम देख लेंगे, लॉसेस, एफिशिएंसी, रेगुलेशन और फीचर्स। तो ये तो सिंपल अभी एक ब्रीफ ओवर पॉइंट, ब्रीफ व्यू की है। मेनली जो अपन को देखना है वो अपन इसमें जो ट्रांसफॉर्मर का इसका ये है, तो बेसिक कंसेप्ट कंस्ट्रक्शन इसका जो आपका इसका प्रिंसिपल है ये तो अपन लोग देख ही लेंगे, और आइडियल ट्रांसफार्मर एंड इट फेजर डायग्राम, तो कल अपन इसका फेजर डायग्राम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग भी जो आपके पास बुक्स हैं, चाहे वो 12th की हो चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रिकल की हो, उसको एक बार देख लीजिएगा ट्रांसफार्मर को, फिर अपन लोग इसका कल से अच्छे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और जितना आज पढ़ाया गया है उतना एक बार आप लोग देख लेना। हाँ हाँ मैं कर दूंगा सर। सर्कुलर ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ेंगे? सर्कुलर ट्रांसफार्मर कुछ अभी सिलेबस में तो हाल फिलहाल कुछ नहीं है आपके बेटा। कहाँ सुना है आपने सर्कुलर? सर 12th में ही पढ़ा था सर्कुलर ट्रांसफार्मर, नहीं है आपने, ठीक है।